जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर द्वारा हमर खून बचाए जिंदगी अभियान 8 सितंबर साक्षरता दिवस से 8 मार्च महिला दिवस तक जिले के अलग अलग 175 शासकीय निजी संस्थाओं सहित अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें रक्तदान कराते हुए रक्तदान हेतु जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन कर मेडिकल कॉलेज में आवश्यकता अनुरूप रक्त की कमी को पूरा करने वृहद स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। भी आज हमर खून बचाए जिंदगी अभियान जो कलेक्टर महोदय के द्वारा चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत आज द्वितीय रक्तदान शिविर है जो बंग समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से हम अपने ब्लड बैंक में ब्लड की जो कमी कोविड की वजह से हमारे कैंप नहीं हो पा रहे थे, उस कमी को पूरा करते हुए हम सिकलिंग और जो थैलेसीमिया और कैंसर से गंभीर मरीज से जो पीड़ित मरीज होते हैं उनको जो ब्लड नहीं मिल पा रहा होता है उनके लिए हम ब्लड की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। ये कार्यक्रम 8 मार्च तक होना है। इसमें लगभग 22 से 23 कैंप होने हैं जो जगह जगह पर मतलब अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। अभी आज के बाद 21 तारीख को भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंप रखा गया है, इसमें विभिन्न समाजों द्वारा रक्तदान किया जाना है। हमर खून बचाए जिंदगी अभियान के प्रथम कैंप में ही 35 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट कर इस अभियान को सफल बनाया था तथा दूसरे कैंप में भी 15 लोगों ने भारी बरसात में रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने के पुण्य कार्य को हिस्सा लिया। 14 सितंबर को अंबिकापुर प्राथमिक शाला भगवानपुर में बंग समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घर के नेतृत्व में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर हमर खून बचाए जिंदगी अभियान के तहत बंग समाज के 15 लोगों ने रक्तदान किया। ये क्या है कि प्रशासनिक तरफ से हमें सूचना मिला था और बैठक रखा गया था कलेक्टर की तरफ से कि आपके समाज से हमको सहयोग चाहिए, आगे जो कोरोना काल का एक तीसरी लहर आने का आशंका जताया जा रहा था तो उन्होंने एक हमारे समाज के प्रति भी एक विश्वास जताया था कि हमको कुछ रक्तदान के लिए एक शिविर का आयोजन करना है और उसमें आपका समाज की तरफ से रक्तदान का शिविर को सफल बनाने के लिए उसका सहयोग करें। ये प्राथमिक शाला भगवानपुर में रखा गया है और करीबन 15 से ऊपर का डोनेट हो चुका है और हमारा टारगेट 50 से ऊपर है और भारी बारिश में भी अभी 15 हो गया, ये बहुत ही एक अच्छा पहल है हमारे समाज द्वारा। भगवानपुर के प्राथमिक शाला भवन में हमर खून बचाए जिंदगी अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बंग समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और बंग समाज के लोगों ने रक्तदान किया। बंग समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप धर ने बताया कि कलेक्टर सरगुजा के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कलेक्टर के द्वारा समाज से सहयोग करने की बात कही गई थी, जिसके बाद बंग समाज के द्वारा आज भगवानपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और लगभग 50 से 100 लोगों का रक्तदान करवाने का संकल्प लिया गया था, जिसमें मौसम खराब होने के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के नोडल गिरीश गुप्ता ने कहा कि आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित है हमर खून बचाए जिंदगी अभियान के तहत। इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बंग समाज जो अंबिकापुर की है और बंग आद्या महिला समूह है उनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है, जिसमें श्री दिलीप धर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंग समाज के उनके नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इतने भारी बारिश के बावजूद भी बंग समाज के जो उत्साही युवा युवती हैं वे बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। बंग समाज के द्वारा 50 यूनिट डोनेट का टारगेट रखा गया है, जिसमें अभी तक 12 से 13 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसमें प्राथमिक शाला भगवानपुर की सुनीता मैडम हैं, निरंजन विश्वास जी हैं संकुल समन्वयक, इसके अलावा प्रमिला जी हैं, इनके द्वारा पूरा समन्वय स्थापित आगे भी चलता रहेगा। ये रक्तदान के शिविर में बताना चाहूँगा कि ये 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन प्रारंभ हुआ है और ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा लगातार। जिला प्रशासन के द्वारा रक्तदान शिविर के लिए विभिन्न समाजसेवी संगठन हैं, एनजीओज हैं, शासकीय कार्यालय हैं, ना अधिकारी कर्मचारी हैं और विभिन्न समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगातार रक्तदान शिविर के लिए जो तिथियां और स्थल निर्धारित की गई हैं उसमें यह रक्तदान शिविर आयोजित होगा। और जो कोविड पीरियड में हमारे जो ब्लड बैंक है उसमें रक्त की कमी हुई थी, उस कमी को दूर करने के लिए विशेषकर यह
शिविर आयोजित किया गया। आप सभी को मालूम है कि रक्त की कमी के कारण कई लोगों की जानें चली जाती हैं। इस सीधे सीधे जीवन बचाने की एक अभिनव पहल जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आज आप रक्तदान करते हैं तो ईश्वर आपको भी, आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको भी रक्तदान किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा करके आपके परिवार के लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो आप सभी रक्तदान करें और इस अभिनव पहल जो हमर खून बचाए जिंदगी अभियान है इसको सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।